आदाब नमस्कार सत श्री अकाल, मैं अब्दुल कलाम, आप देख रहे हैं द कलाम न्यूज। पूर्व सैनिक, आज पूर्व सैनिक जो है 2024 की तैयारी के लिए पहुंच चुके हैं। इन्होंने अपनी पार्टी भी गठन करी, जय जवान जय किसान की कमान। आइए इन्हीं से बात करते हैं। सर कहाँ से आए आप? महाराष्ट्र से। सर बताइए, आपकी पार्टी ये जो आप लोगों ने गठन करा है, इसकी क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि जो आदमी के जो सारी परेशानी आर्मी लोगों की, किसान की, और जो इसमें खाई में लौटा है उनको फिर हमने उसका बंदोबस्त करना है। सरकार से अपनी लड़ाई अब खुद लड़ेंगे पूर्व सैनिक क्या? हाँ, जवान और किसान दोनों साथ मिल गए, दोनों साथ मिल गए। जय जवान जय किसान, किसान और जवान मिलके हम अपना जो MLA MPs को तैयार करना चाहते हैं और कोशिश करेंगे जी तोड़ के भारत का एक न एक सैनिक इस मिशन में शामिल होके हम नया क्रांति करना चाहते हैं और क्रांति करेंगे। अपनी लड़ाई पूर्व सैनिक खुद लड़ेंगे? हाँ हाँ, हमारी अपनी लड़ाई पूर्व सैनिक और पूर्व सैनिक के साथ में देश का किसान और मजदूर, ये भी हमारी लड़ाई में साथ में हुए, हमारे पीछे हो गए, और इन सबको मिल के ही हम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। आज देश को मजदूर, जवान, किसान, इनकी सख्त ज़रूरत है। आज 4 दिन पहले हमारा एक अग्निवीर जवान शहीद हुआ था और सरकार ने उसके साथ जो कार्रवाई की है, उसकी डेड बॉडी 2 जवान सिविल ड्रेस में आके उसके गांव में छोड़ के चले गए, जैसे वो लावारिश मरा था, ऐसा काम किया है। इसलिए देश की कमान जवान, किसान और मजदूर, इन तीनों मिलकर संभालनी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे पूरे भारतवर्ष में जवान, किसान, मजदूर तीनों साथ में मिलकर संघर्ष करेंगे और 2024 में जवान, किसान और मजदूर की सरकार ला के रहेंगे। वो अमृत पाल था पंजाब का लड़का, 19 साल का, अग्निवीर में शहीद हुआ था। उसको जो है क्या नाम, सिविल ड्रेस में कुछ लोग आए, जब गांव वालों ने उससे सवाल किया भाई ऐसा कैसे क्या नाम, तो कहने लगे ऐसा ये नया प्रपोजल है सरकार का, इसमें जो है शहीद का दर्जा अग्निवीर को नहीं दिया जाता। इसी ऐसे नाराज होके, मतलब इन संगतियों को देखते हुए पूर्व सैनिकों ने वो अपना पार्टी बनाया क्या? उस पर मैं ये कहना चाहूँगा, एक तो सरकार ने अग्निवीर निकाल के बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि इन्होंने पूरे देश को बेचने का काम चला रहा है। जो भी है, जो प्राइवेटाइजेशन करके अभी रेलवे बेच दिया, BSNL बेच दिया, ऐसे ही उन्होंने सैनिकों को पेंशन बंद करना है। तो हम सैनिक ये चाहते हैं कि ये सैनिकों की पेंशन बंद करने के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर अग्निवीर की भर्ती की है, ये बहुत गलत बात है। एक सैनिक है, जिस टाइम सैनिक ने कसम खा के देश सेवा करने के लिए वो सैनिक में भर्ती हुआ और उसको जिस टाइम आर्मी नंबर मिला है, तो एक सैनिक सैनिक होता है। उसको पूरे मान सम्मान के साथ, चाहे ऑपरेशन में हो शहीद हो या आई कैजुअल्टी में हो, उसको सैनिक की दर्जा दी जाए। ये बहुत बड़ा गलती किया है सरकार ने, और उस लड़के के साथ जो बेव किया है, भारतवर्ष के पूर्व सैनिक और जो ड्यूटी पर सैनिक है, ये कदापि सरकार को माफ़ नहीं करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, 9 महीने से पूर्व सैनिक जंतर मंतर की धरती पे अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। वो जो है DM को अपना ज्ञापन दे दिए, पार्लियामेंट मेंबरों को दे दिए, SDM को दे दिए, तहसीलदार को दे दिए, उन्होंने कई बार गृह मंत्रालय को अपना मेमोरेंडम दिया अपनी मांगों को, जो विसंगतियाँ अफसरों में और पूर्व सैनिकों में, उनकी मांग नहीं सुनी जा रही। कहीं इसको देखते हुए आप लोगों ने इस पार्टी का गठन तो नहीं किया? हाँ सही है, जवानों के बीच में रोष है कि आज तक जितने भी पे कमीशन हुए उसमें हमेशा जवानों के साथ में धोखा हुआ है, जवानों को कभी न्याय नहीं मिला है, चाहे 4th पे कमीशन हो, 5th पे हो, 6th पे हो और 7th पे हो। वो जब प्रधानमंत्री ने 2014 में वादा किया था कि 1 rank 1 pension देंगे, मगर उन्होंने जो 1 rank 1 pension दिया वो पूर्ण तरीके से नहीं दिया, और उन्होंने जब कहा था कि हम ORP 2 का जब रिवीजन आएगा उसमें आप लोगों के साथ न्याय करेंगे, मगर जो ORP 2 का रिवीजन आया उसमें हमारे साथ न्याय नहीं। सबसे बड़ा धोखा तो अभी हुआ है हमारे साथ में कि एक अफसर को 2.5 लाख से ऊपर पेंशन गई और एक JCO साहिबान है उसको सिर्फ 300 रुपया उसकी तनख्वाह में बढ़ोतरी हुई। वो जवानों और JCO के साथ में ये सबसे बड़ा मजाक था कि हमारी 300-400 रुपये हमारी तनख्वाह में बढ़ोतरी की गई है।
ये सबसे बड़ा अन्याय हुआ है और इसी अन्याय के खिलाफ और इसी जो आज की देश की हालत है इसके खिलाफ हम लोगों ने ये जो संकल्प किया है और ये संघर्ष लड़ाई किया। मैं ये कह रहा हूँ ये विसंगतियाँ जो थी विसंगतियों को देखते हुए वन रैंक वन पेंशन की कहीं इसलिए पूर्व सैनिकों ने अपनी कमर तो नहीं कस ली है? नहीं, ये जो है डिफरेंस जो दिया है सैनिक और अफसरों में ये बहुत गलत निर्णय किया है, इसको ये हमें मान्य नहीं है। जब तक ये हमारा पूरे हमारा जो हक है वो सरकार नहीं देगा तब तक हम वो धरने पर बैठे हुए और पूरे भारत के सैनिक उनके साथ है, इसलिए हम जब तक हमारा हक नहीं देंगे तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। जय हिंद। बुला रहे सर, मैं ये कह रहा हूँ जो ये जो आपकी पार्टी है ये पूरे देश में लड़ेगी क्या चुनाव? हाँ, पूरे देश में लड़ेगी हमारे चुनाव। हाँ, और ये पूरे तेरे साथ लड़ेगी। अभी हमको पहला अभी सरकार का थोड़ा रोष आ रहा है क्योंकि उन्होंने जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट बेस पर सैनिकों का काम किया है, जो हमारे अमृतपाल को जो रीति रिवाज से उनको शहीद का दर्जा देना था उनको दिया नहीं, और ऐसी कई मांगे हैं, इसलिए हमारे सैनिक पूरे इनके ऊपर नाराज है और ये हमारी मांगे, इसलिए हमने पूरे देश में खड़ा करेंगे और पूरे देश में लड़ेंगे। यही सैनिकों की बहुत नाराजगी है, इस नाराजगी के वो सरकार को जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो 2024 में अभी सैनिक पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसमें सरकार को अपना रंग दिखा देगी और इस पर सरकार को मजबूर होकर हम चाहते हैं कि मोदी सरकार हमारी बातें सुन ले और जो हमारे जो वॉर ओ पी टू में जो विसंगति है उसको तुरंत दूर कर ले, नहीं तो 2024 में आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। भारत सरकार ने जो जवानों के साथ जो धोखा किया है, अगर वो 2-4 महीने के अंदर अगर ठीक नहीं करते तो 2024 में इंडिया का जो जवान है वो सरकार को बता देगा कि आगे क्या होगा। धन्यवाद। आप लोगों ने सुन लिया, अगर वन रैंक वन पेंशन इनको नहीं टाइम से दिया गया, इन्होंने अपनी पार्टी गठन कर ली है, 2024 का ये चुनाव लड़ेंगे, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। जी।